डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे भरें, इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुघोष उपासनी। इस तीसरे वीडियो में मैं अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अगली प्रक्रिया पूरा करने में मार्गदर्शन करूँगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिपोर्ट सबमिशन को एक सहज और आत्मविश्वासपूर्ण प्रक्रिया बनाते हैं। इस तीसरे वीडियो में मैंने विभिन्न ड्रग्स फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम, डोसेज फॉर्म्स आदि के बारे में जानकारी दी है, जो कि यहाँ के लोकल रिटेल मेडिकल से और कुछ जानकारी इंटरनेट से एकत्र की गई है। इससे आपको अपने रिकॉर्ड भरने में आसानी होगी और मदद मिलेगी। अब आपको प्रत्येक स्लाइड पर वीडियो को रोकना है और इसे ध्यान से पढ़ना है। काउंसलिंग रिपोर्ट के इस पेज पर आपको कुछ फोटोग्राफ्स पेस्ट करने हैं। आपको 5-6 फोटोग्राफ्स ऐसे कलेक्ट करने हैं जिसमें एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट आप किसी पेशेंट को काउंसलिंग कर रहे हैं। सैंपल के तौर पर उदाहरण के जगह मैंने आपको एक फोटो यहाँ पे दिखाया है जिसमें एक फार्मासिस्ट एक पेशेंट को काउंसलिंग कर रहा है। आपको उस फोटोग्राफ के बारे में कुछ जानकारी भी देनी होगी, जैसे कि फोटो लेते समय उस डेट, टाइम और किस बारे में आपने काउंसलिंग की, उसके बारे में आपको वहाँ पे संक्षिप्त रूप में वहाँ पे जानकारी प्रदान करनी है। अगले पेज पर आपको दिखाई देगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस फिलअप करने हैं, कुछ क्वेरीज फिलअप करनी है, जो कि ब्रांड नेम, डोसेज फॉर्म और कंपनी के बारे में पूछी है। जैसे कि आपने इस सप्ताह या ट्रेनिंग करते वक्त कौन से टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है या दिया है या हैंडल किया है। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, टैबलेट्स, उनके कंटेंट और उनकी कंपनी के नेम। उसके बाद आपको कैप्सूल के बारे में ऐसे ही कुछ जानकारी देनी है। अगला डोसेज फॉर्म आता है सिरप और सस्पेंशन। आपको कम से कम 4 या 5 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं जिनके बारे में आपने कुछ जानकारी प्राप्त की है, जैसे कि ब्रांड नेम और कंपनी का नेम। अगला डोसेज फॉर्म है जेल या क्रीम या लोशन या कोई ऐसा जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज किया गया हो, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद आते हैं इंजेक्शंस। इस पेज पर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे जो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स आते हैं वह एक ही नेम के आ सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड 0.9%। कंपनियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनमें जो लेबल्स पर छपा हुआ होता है वह बड़े अक्षरों में यही हो सकता है NaCl 0.9%, क्योंकि ये सब दवाइयां इमरजेंसी के रूप में यूज होती है, तो इनमें ये अक्षर बड़े अक्षरों में लेबल पर अंकित किए जाते हैं। अगला डोसेज फॉर्म है DNS, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स। अब आपके सामने देखा जाता है कि कुछ डोसेज फॉर्म्स या फॉर्मुलेशंस जो कि आधारित है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रग्स डोसेज फॉर्म होते हैं या फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, उनके अलावा या उनमें कुछ मॉडिफाई करके फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं,
उनके बारे में आपको यहाँ पे विवरण देना होता है, जैसे फॉर्मुलेशन टाइप, फॉर्मुलेशन नेम, मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी का नेम और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं। अगले पेज पर आपको जानकारी देनी होगी जेनेरिक नेम्स की और ब्रांडेड ड्रग्स की, जो कि आपने जिस मेडिकल पर ट्रेनिंग किया है वहाँ पे उपलब्ध थी। आपको जानकारी के विवरण इस प्रकार देना है: जेनेरिक नेम, डोसेज फॉर्म, डोज, मैन्युफैक्चर किसने किया, इंडिकेशंस अगर वह ड्रग के साथ कुछ इंडिकेशंस देने होते हैं तो, और प्राइस। यह कुछ एग्जाम्पल्स या उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है और इसे देखना है, समझने की कोशिश करनी है। जैसे जेनेरिक ड्रग्स का था, वैसे ही हमें विवरण एकत्रित करना है ब्रांड्स नेम का। यहाँ पे ब्रांड नेम, उसमें कौन से ड्रग्स होते हैं या कौन से ड्रग्स उसमें सम्मिलित किए हैं, डोसेज फॉर्म, उनका डोज, उनका मैन्युफैक्चरिंग या उनकी कंपनी, कुछ इंडिकेशंस अगर होते हैं तो इंडिकेशंस, और प्राइस। आपको वीडियो यहाँ पे पॉज करके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं उनको देखना है। OTC प्रोडक्ट मीन्स ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए अक्सर हमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे प्रोडक्ट्स, इनकी इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स के नेम्स, ऐसा विवरण अगले पेज पर हमें देखने को मिलता है। आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आपके मेडिकल पर भी उपलब्ध होंगे उसकी एक सूची मैंने यहाँ पे बनाई है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो सूची यहाँ पे है वही प्रोडक्ट आपके मेडिकल पर भी आपने देखे होंगे, आपका अनुभव अलग हो सकता है। आपके उपयोग के लिए आपको वीडियो यहाँ पे पॉज करना है और समझने की कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं और उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। अगले पेज पर हमें विवरण देना है कि कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस जिनको 2 से 8 डिग्री के बीच में स्टोर किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स, उदाहरण मैंने दिए हैं और उनके इंडिकेशंस भी वहाँ पे दिए हैं, जिन प्रोडक्ट को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर किया जाता है। इस पेज पर हमें कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस के बारे में जानकारी देनी है जिनमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पाए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट की अगर कंडीशन होती है ब्रेस्ट फीडिंग तो उनमें कौन से फॉर्मुलेशंस या कौन से ड्रग्स नहीं दिए जाते। अगली कैटेगरी होती है चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ ड्रग अलाउ नहीं होते हैं या उन कुछ ड्रग देते समय फिजिशियंस को बारकाई से वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ऐसे ड्रग्स। बाद में आती है कैटेगरी रीनल एंड मेटाबॉलिज्म कंप्राइज ओल्डर पेशेंट्स। उसके बाद में हमें जानकारी पूछी जाती है कि कुछ कॉमन मेडिकेशंस जो कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए यूज होती है,
कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वह आपको देखने हैं, समझने हैं और वैसे एग्जाम्पल्स आपको भी आपके रिपोर्ट में लिखने हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में से शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।